वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य पुनर्परीक्षा 2016 से संबंधित सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर हम सारे विकल्प नहीं देखेंगे, या अगर जैसे टाइम कम, जैसे मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट होना, तो देखते हैं। अगर इम्पोर्टेंट होगा तो सारे विकल्प देखेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं होगी तो सारे विकल्प को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, चमकीला क्या है? विशेषण है। चमकीला क्या है? विशेषण। अब जैसे विशेष धर्म क्या था यहाँ पर? धर्म एक विशेष, जाति भी विशेष है, धन भी विशेष है। तो इसके जब विशेषण बनाएंगे, धर्म का क्या बनेगा? धार्मिक, जाति का जाति, चमक का बनेगा चमकीला, और धन का धनी। इसको रिवाइज कर लीजिए कि विशेष और विशेषण दिए गए हैं, और उसका जब वो विशेषण बनाएंगे विशेष का, धर्म का बनेगा धार्मिक, जाति का जाति, चमक का चमकीला, धन का धनी। क्वेश्चन नंबर दो देखिए। क्वेश्चन नंबर दो है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? यहाँ पर क्या पूछा है कि विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणिरत्न, दीपक, तेल। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत। कौन सा अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत वाला अशुद्ध है। दृष्टि, दृष्टिवंत। दिए गए विकल्पों में से दृष्टि क्या है? विशेष से, दृष्टिवंत विशेषण। दृष्टि से बना विशेषण क्या होता है? द्रष्टव्य होता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है? दृष्टिवंत। तो दोनों शब्द क्या है? दृष्टिवंत और दृष्टि, दोनों एक तरह से देखा जाएगा विशेष्य पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इससे पहले जो पेपर देखा था उसमें हमने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। और जैसे दूसरा कथन है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। सही है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा है, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, विशेष्य और क्रिया के बीच आए, उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है, विधेय विशेषण किसको बोलते हैं? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आता है। विधेय विशेषण किसको बोलेंगे? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आता है। जो विशेषण किसके बीच में आ रहा है? विशेष और क्रिया के बीच में आता है, उसे हम बोलते हैं विधेय विशेषण। तो दिए गए कथनों तार्किक रूप से अशुद्ध है, क्योंकि विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। क्वेश्चन नंबर चार है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, तो उसे क्या बोलते थे? समावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, यह इसके लिए एक शब्द क्या? समावर्तन। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए। क्वेश्चन नंबर पाँच है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित एक सही युग्म है? तो तांडव, मांडव, अनतरित, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? विलोम क्या है? सही विलोम क्या है? तांडव का, मांडव ये क्या है? गलत है। और अनरत का रित सही है, मुक्त का विमुक्त गलत हो गया, विभावना का सद्भावना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अनरत है, अनरत का विलोम क्या होगा? रित होगा। मुक्त का बंधा या बद्ध है, तांडव का क्या होगा? विलोम। ये टफ हैं थोड़े, तांडव का क्या होगा? लास्ट होगा। विभावना का विलोम विशेषोक्ति होगा। तो क्वेश्चन नंबर पाँच को आप रिविज़न करके या अलग नोट करके इसका नोट बना लीजिए कि जो अनरत है उसका विलोम क्या होगा? रित होगा। मुक्त का बंधा या बद्ध होगा,
और तांडव का विलोम क्या होगा, लास्ट होगा। विभावना का अभी बताया था, विभावना का क्या होगा, विशेषोक्ति होगा। और क्वेश्चन नंबर छः देखिए, क्वेश्चन नंबर छः है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म पूछा है। क्वेश्चन नंबर छः में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है तो अनंत असीम, अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन। अनंत का असीम क्या है, गलत है। तो अनंत शब्द का विलोम क्या होगा, शांत या सीमित। अनंत का विलोम क्या होगा, शांत या सीमित, जबकि असीम किसका है, अनंत का समानार्थी शब्द है। तो जैसे और विकल्प देखते हैं, कुशल अकुशल सही है, धर्म अधर्म सही है, जड़ चेतन सही है। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, क्वेश्चन नंबर सात है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। यहाँ पर क्या पूछा गया कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है तो विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस, सर्वाचीन का समीचीन। विराग का क्या है, चिराग, संयुक्त का विरत, वियुक्त, सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। पूछा क्या है, शुद्ध युग्म, तो यहाँ पर शुद्ध युग्म कौन सा होगा, संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त। और विराग का चिराग दे इसलिए क्या है, गलत है। और सरस का अरस भी गलत है, अर्वाचीन का समीचीन भी गलत है। तो यहाँ पर जब विराग का क्या होगा, विलोम, राग होगा, विराग का राग होगा, संयुक्त का क्या विलोम होगा, पृथक, असंयुक्त या वियुक्त। सरस का होगा नीरस, अर्वाचीन का क्या बनेगा, प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या पूछा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो पहला है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। देखने में बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन एक जरा भी अगर आपने समझने की कोशिश नहीं की तो फिर आपको बाद में एक क्वेश्चन से हाथ धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कि पंडित नेहरू को हमने अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये है तो इसलिए ये सही है। दूसरा है महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि महादेवी ने सरस्वती को क्या किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तीसरा है रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। चौथा है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र, तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पर अर्पित होना चाहिए था क्या हो गया, पत्र प्रदान किया। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, प्रदान का प्रयोग बड़ों की ओर से छोटों के लिए होता है, जबकि अर्पण का प्रयोग छोटों की ओर से बड़ों के लिए। तो यहाँ पर प्रदान और अर्पण हमें कैसे क्लियर करने हैं, प्रदान का मतलब क्या है कि जब बड़े कुछ छोटों को, बड़े छोटे को कुछ दे रहे हैं, जैसे मान लिया आपके फैमिली मेंबर्स में कोई सीनियर है वो आपको कुछ दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्रदान। लेकिन आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अर्पण करेंगे, किस क्या करेंगे, अर्पण करेंगे। क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द पूछा गया है, हिंस, भास्कर, रुपया और बादाम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भास्कर गलत है, रुपया भी गलत है और बादाम। तो यहाँ पर रुपया कैसे लिखते हैं, रुपया में छोटा उ की मात्रा लिखती है। तो भास्कर का देखिए शुद्ध रूप क्या है, भास्कर, और शुद्ध शब्द कौन सा है, हिंस। तो ये वाला आप लिख कर ही याद करिए, ज़्यादा सही है कि ये वाला हिंस। तो यहाँ पर भास्कर हमें पता है, भास्कर कैसे लिखते हैं, भास्कर को देखिए, भास्कर रुपया का हो जाएगा रुपया, बादाम का बादाम। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो पहला है तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो ये वाला क्या है, अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध हो गया। और जैसे दूसरा आदमी कौन था, ये भी सही है, ये शुद्ध वाक्य है, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी शुद्ध है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि तूफान में, तो तूफान गलत लिखा है, क्या लिखा है गलत, तूफान, तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, और मर गए भी गलत है, मारे गए, तो तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। इसको कैसे क्लियर करेंगे, ता में बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए की जगह क्या लगाएंगे, मारे गए, और गए ऐसे लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है, गा में या कि या गा और या में एक ही मात्रा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रत्युत्पन्न मति, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। जो वह व्यक्ति जो दूर की बात पहले ही सोच ले उसे बोलेंगे दूरदर्शी, जो दर्शन का ज्ञाता उसे क्या बोलेंगे, दार्शनिक। तो आप याद कर सकते हैं कि प्रत्युत्पन्न मति किसको बोलते हैं, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले और सारी बातों का ज्ञाता हो सर्वज्ञ बोला जाएगा, और जो व्यक्ति दूर तक की बात पहले ही सोच ले उसे दूरदर्शी, और जो दर्शन का ज्ञाता उसे दार्शनिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 है, या कमीज उजली है, इसमें पूछा गया कि कमीज शब्द है, तो आप हमने बताया था जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं, तो यहाँ पर जो कमीज है, कमीज की विशेषता कैसी बताई जा रही है कि उजली है, तो इसीलिए क्या होगा, विशेष से होगा, तो यह कमीज उजली है, बाकी में कमीज विशेष है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसके हृदय में ममता ना हो। आज थोड़ा हैंग हो रहा है टाइप, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे। तो वाक्यांश एक शब्द, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलते हैं, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय। निर्दय कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, वरना हम निर्दयी लिखते हैं, निर्दय। तो यहाँ पर जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हमने क्या बोला है, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो उसे बोलेंगे निर्दय, जो भय रहित हो उसे बोलेंगे निर्भीक। और यहाँ पर क्या पूछा है, भक्त का तद्भव क्या है, भक्त का तद्भव क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कि जब हम तद्भव तत्सत तो कुछ मैच करते हैं आपस में, केवल मात्राओं का और जैसे लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। भक्त का सीधे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भगत होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, भक्त का तद्भव क्या होगा, भगत, और भाप का तत्सम क्या होगा, बाष्प, और भाप का तत्सम क्या निकल कर आएगा, बाष्प, और श्रद्धा का तत्सम होगा श्रद्धा। भक्त का तद्भव भगत, भाप का तत्सम बाष्प, श्रद्धा का श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर पंद्रह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें तद्भव पूछा गया, प्रसन्न का तद्भव क्या होता है, पसीना होता है। प्रसन्न का तद्भव क्या होगा, पसीना होता है। पकवान, पश्चाता, पुत्रवधू, ये क्या है, पकवान लिखा कैसे है, काद है पकवान, तो प्रसन्न का तद्भव क्या निकलेगा, पसीना, और पकवान पश्चाता व पुत्रवधू क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका जैसे जब हम तद्भव बनाएंगे, पकवान का पकवान हो जाएगा, पश्चाताप का पछतावा, पुत्रवधू का क्या आएगा, पतोहू तद्भव। क्वेश्चन नंबर सोलह है, इसमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, क्या बोला गया है कि इसमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो उपाध्याय का योजा, श्रेष्ठ का सेठ, अग्निष्ठ का अंगीठी, आदरक का अदरक, तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा होगा, श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ वाला। तो ओझा का तत्सम क्या बनेगा, उपाध्याय, ओझा का तत्सम क्या है, उपाध्याय, सेठ का श्रेष्ठी, गलत क्यों था, श्रेष्ठ लिखा था, मात्रा का डिफरेंट था, श्रेष्ठी। अंगीठी का अग्निष्ठी का, अदरक का होगा अदरक, और अंगीठी का अंगीठा, अंगीठा वैसे अंगीठी का अग्निष्ठी का होता है, यहाँ पर अंगीठा वर्ड यूज हुआ है, तो इसका क्या होगा, अग्निष्ठ। रिपीट कर लीजिए एक बार, ओझा को क्या बुलाएंगे तत्सम में, उपाध्याय, सेठ को श्रेष्ठी, अंगीठी को अग्निष्ठिका, और अदरक को अदरक, अंगीठा को अंगिनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, बाजार में बहुत घोड़े आए, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत पूछा गया, क्या शब्द, मतलब बहुत शब्द है, तो बाजार में बहुत घोड़े आए, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है, ये विशेषण के जो प्रकार दिए थे टाइप्स में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा है अपूर्णांक बोधक विशेषण, तीसरा तुलनात्मक विशेषण, चौथा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ पर परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक या तुलना बोधक विशेषण नहीं हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर दिया है कि परिमाण बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण, तो घोड़ों की गणना की जा सकती है, उन्हें मापा तौला नहीं जा सकता है, तो ये परिमाण वाला, इसीलिए इसका राइट आंसर नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर अठारह है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है, तो सरीखा एक गुणवाचक विशेषण है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द गुणवाचक विशेषण है, जब विशेषण वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने का आधार बनता है, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण क्या है, बाहरी, सुंदर, भला, लंबा आदि, क्या उदाहरण है, बाहरी, सुंदर, भला, लंबा आदि। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उन्मूलन का सही विलोम है, उन्मूलन का सही विलोम पूछा गया, तो उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा, रोपण। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा, रोपण। यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं, अवरुद्ध का विलोम क्या होगा, अन अवरुद्ध होगा, अवरुद्ध का विलोम अन अवरुद्ध, निर्माण का ध्वंस होगा, समृद्धि का विनाश होगा, उन्मूलन का रोपण, अवरुद्ध का अन अवरुद्ध, निर्माण का ध्वंस, समृद्धि का विनाश, उन्मूलन का रोपण। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। यहाँ पर क्या बोला है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो गगनचुंबी का होगा धराशायी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या निकलेगा, धराशायी, धराशायी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आघात का विलोम पूछा गया है, आघात। क्वेश्चन नंबर 21 आघात का विलोम शब्द है, तो आघात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। आघात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है पूछा गया है, अशुद्ध है। किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो हस्तलिखित, कुमोदनी, आजीविका, आजीविका गलत दिया गया है, और सत्याग्रह। तो वर्तनी की दृष्टि से आजीविका गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या निकल के आएगा, आजीविका। क्या आएगा, आजीविका। और हस्तलिखित, कुमोदनी, कुमोदनी याद रखना, ये वर्तनी शुद्धि का एक ही मेथड है सही से याद करने का, आप इसको राइटिंग में मतलब इंक्लूड कीजिए। तो यहाँ पर जैसे आजीविका, हस्तलिखित, कुमोदनी, सत्याग्रह। आजीविका हमें पता है कैसे लिखा जाता है, आजीविका। और कुमोदनी हमको ध्यान रखना है, कु मुँह, का में छोटा की मात्रा, माँ में छोटा की मात्रा, दा में छोटी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, तो कुमोदनी हो गया। और फिर हम देखते हैं हमें क्या ध्यान रखना है, सत्याग्रह, तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो निरहंकारी, निरहंकारी शब्द शुद्ध है। और पैतृक भी गलत है, जागृत भी गलत है, निदयी अभी बताया था, निदयी का निर्दय। और यहाँ पर जैसे पैतृक, पैतृक कैसे लिखेंगे, ये देखिए, पैतृक को इस तरह है, और जागृत क्यों गलत है, जागृत में रीढ़ की मात्रा लगाएंगे, निर्दयी में ऐसे लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो जोता बोया ना गया, जो जोता बोया ना गया हो तो उसके लिए क्या होगा, आकर्षित होगा। यहाँ तक देख लेते हैं एक बार, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो जोता बोया ना गया उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, आकर्षित। जो जोता बोया ना गया उसके लिए क्या वर्ड होगा, आकर्षित। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलेंगे, ऊसर। और दोनों में अंतर ध्यान रखना है कि जो जोता बोया ना गया उसे बोलते हैं आकर्षित, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता उसे ऊसर। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो सर्वभक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वभक्षी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, तो उसके लिए होगा स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्थावर। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसके लिए होगा स्थावर। और जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सदा व्रत बोलते हैं, सदा व्रत। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है, बाका का तत्सम शब्द क्या है, तो बाका का तत्सम शब्द होगा बकर। बाका का तत्सम शब्द क्या बनकर आएगा, बकर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पहला गया पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। और हमें बताना क्या है, तत्सम नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर तत्सम कौन सा नहीं हुआ, पंसारी। तो पतन, पतन का जो तद्भव बनेगा क्या बनेगा, पढ़ना। पतन का तद्भव क्या बनेगा, पढ़ना। और जो पंसारी है, पंसारी का तत्सम क्या होगा, पर्णशालिक। पंसारी का तत्सम क्या होगा, पर्णशालिक। और पिटारा का क्या तत्सम बनेगा, पिटक। और पहर का प्रहर, पहर का प्रहर। पर्णशालिक किसका होगा, पंसारी का, पिटक, पिटारा। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम है, इनमें से तद्भव या तत्सम शब्द का एक शब्द युग्म है। और क्वेश्चन इसमें जैसे विकल्प देखेंगे, कौड़ी, कपार्दिकी, अपाहिज, अपाधस्त, ओष, अवश्याय, गेहूँ, गोहूँ। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि एक शब्द युग्म है, शब्द युग्म पूछा गया है, तो ओष का क्या होगा, अवश्याय। अदर सारे हैं सही से देखें गलत दिए गए हैं, ओष का आपको ध्यान रखना है, अवश्याय। ओष का अवश्याय, ओष का अवश्याय। कौड़ी का क्या होगा, तस्म, कपर्दिका, कौड़ी का कपर्दिका। अपाहिज का बनेगा अपाधस्त, यहाँ पर आ में डंडा लगा था इसलिए बड़ा आ की डंड मात्रा लगी थी, इसलिए क्या हो गया, अपाधस्त गलत हो गया। और ओष का अवश्याय होगा गेहूं का गोधूम, रिवाइज कर लीजिए, कौड़ी का कपर्दिका, अपाहिज का अपाधस्त, ओष का अवश्याय, गेहूं का गोधूम। तो
क्लासेस, जैसे आप यहाँ पर टाइम को देखते हो और यही लग रहा है केवल हिंदी और जो जैसे टॉपिक चल रहे हैं प्रीवियस ईयर, और हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए। जैसे आप अपने आप जो चीज़ें देख रहे हैं उसको देखते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सेल्फ हिस्ट्री ही ज़्यादा काम आती है अदर की तुलना में। सबका अपना अपना रहता है, कोई वैसे करता है कोई कैसे करता है, तो आपको कैसे अच्छा लगता है ये आप पर डिपेंड है। और हिंदी का रहा, हिंदी जैसे आप थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दिए डेली, अगर नहीं पॉसिबल हुआ जैसे जिस दिन गैप हो गया तो उसकी जगह उस दिन दूसरे दिन दो वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे नुकसान भी ना हो और कंटिन्यूटी थोड़ी बनी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो दिक्कत आ रही हो, अगर आपको लग रहा है स्पीड संबंधी प्रॉब्लम है, तो आप इसको डबल स्पीड पर करके देख सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।